हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग शीला फोम नामक कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि अपना Q4 FY20 का रिजल्ट लेकर के हम लोगों के सामने आ चुकी है। दोस्तों, ऐसे तो शीला फोम को जो हम लोग नॉर्मल मार्केट में जानते हैं, वो ये स्लीपवेल मैट्रेस के नाम से ये अपने प्रोडक्ट सेल करती है। हालांकि कॉरपोरेट वर्ल्ड में इसको हम लोग शीला फोम के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, अब स्लीपवेल के बारे में आपको अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि शीला फोम यानी स्लीपवेल के प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं। ये मिडिल रेंज से लेकर के लग्जरी रेंज तक के ये सारे मैट्रेस वगैरह बनाते हैं। तो अब इसके बारे में आप खुद ही इनके वेबसाइट में जाकर के देख सकते हैं। इसका आज हम लोग ओवरव्यू लेंगे शीला फोम का, कि ये कंपनी किस प्रकार से बिजनेस कर रही है, इसके ओवरव्यू में इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, और पास्ट में किस प्रकार का रिजल्ट लाई है, और अभी वर्तमान में इसका रिजल्ट कैसा रहा है कोविड सिनारियो में, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारे स्टोर्स बंद थे, तो उनका कितना इम्पैक्ट हुआ है कोविड-19 का इनके बिजनेस पर, वो भी हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और इसके अनुसार इसके फ्यूचर प्राइस ट्रेंड को भी समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरे जो वीडियो होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। मैं जो भी रिकमेंडेशन देता हूँ वो लंबे समय के लिए देता हूँ, उसमें आप 6 महीना से ज्यादा या 1 साल से ज्यादा आप निवेशित रहेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। ये आपके पेशेंस की बात है कि आप कितने दिनों तक इस किसी भी स्टॉक में बने रह सकते हैं। हालांकि किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें या खुद भी रिसर्च कर लें। जो मैं डेटा देता हूँ सारे फैक्चुअल्स डेटा हैं, ये एक्सचेंज साइटों से लिए जाते हैं, और विभिन्न साइटों का मैं यहाँ पर सहायता लेकर के सारे डेटा को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप अच्छी तरह से पूरे वीडियो को समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चर्चा सीमित रखते हैं शीला फोम के एनालिसिस पर, और इसका ओवरव्यू को देखते हैं, ये कंपनी का ओवरव्यू किस प्रकार का है और इसके ओवरव्यू से हम लोग क्या पाते हैं। दोस्तों, शीला फोम लिमिटेड इंडिया की टॉप प्लेयर है मैट्रेस और होम प्रोडक्ट इंडस्ट्री में, और शीला फोम का मार्केट कैप लगभग 7,000 करोड़ के आसपास है, और इस शेयर का अगर हम लोग बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो ये लगभग 20% है, जो कि काफी बेहतरीन है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27% है, जो कि और भी अच्छा है। और दोस्तों, अगर डेप्ट इक्विटी की बात करें तो ये 0.32 है, यानी ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, और इसकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें, या इसको दूसरे टर्म में बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी, तो ये काफी बेहतरीन है, ये लगभग 22% के आसपास देखने को मिल रहा है, और इसका टोटल इक्विटी शेयर जो है लगभग 5 करोड़ के आसपास है। तो ये एक छोटी मिड साइज की कंपनी है, और इसके ओवरव्यू से ये साफ दिख रहा है कि इसके फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, लेकिन फंडामेंटल्स को जानने से पहले दोस्तों, अब हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं, कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार इसमें बड़े निवेशकों का किस प्रकार का रुझान है, वहां से भी हम लोगों को कुछ समझने में सहायता हो जाती है कि इसमें बड़े निवेशकों का किस प्रकार का इंटरेस्ट है। अगर बड़े निवेशकों का इंटरेस्ट किसी स्टॉक में रहता है, तो फंडामेंटली वो स्टॉक स्ट्रांग रहती है, तभी उनका उसमें होल्डिंग अच्छा खासा रहता है। तो चलिए दोस्तों, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, प्रमोटर की होल्डिंग पहले 85.7% हुआ करती थी, जो कि घटकर के 75% हो गई है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रमोटर ने अपना शेयर जो है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेबी के नॉर्म्स हैं मिनिमम मैक्सिमम होल्डिंग की, उसके अनुसार इन्होंने अपना थोड़ा सा स्टैक ऑफलोड किया है और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि इसमें म्यूचुअल फंड वाले कितने इन्वेस्टेड हैं, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 20% जो है होल्डिंग म्यूचुअल फंड वालों की है। अब दोस्तों हम लोग इसके एफआईज के भी निवेश को देख लेते हैं कि एफआईज इसमें किस तरह का निवेश किए हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग पा रहे हैं कि एफआईज जो है मार्च 18 से लेकर के दिसंबर 18 तक इसमें होल्डिंग कम किए थे, उसके बाद से मार्च 19 से फिर इन्होंने अपना स्टैक बढ़ाया है और लगभग हल्का सा इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है, लेकिन फिर भी इनका जो स्टैक है मार्च 18 के बनिस्पत मार्च 19 में अभी भी इन्होंने स्टैक बढ़ाया है। और अगर हम लोग बात करें कि नंबर ऑफ एफआईज की, तो नंबर ऑफ एफआईज जो है इसमें पहले से 4 FIs ज्यादा आकर के टोटल 39 FIs इसमें अब इन्वेस्ट कर चुके हैं। पहले ये 35 के आसपास था। अगर हम लोग दोस्तों म्यूचुअल फंड वालों की बात करें, तो यहाँ पर हम लोग साफ देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड वाले मार्च 18 के बनिस्पत मार्च 19 और 20 में इन्होंने काफी अपना स्टैक जो है इसमें इंक्रीज किया है, लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और रिजल्ट ये अच्छा कर रही है, तभी म्यूचुअल फंड वाले इसमें अपना स्टैक बढ़ा रहे हैं। और जैसा कि यहाँ हम लोग भी देख पा रहे हैं कि दोस्तों इसमें कुल 8 म्यूचुअल फंड वाले निवेशित हैं। तो इसमें एफआईज और म्यूचुअल फंड दोनों जो भी बड़े शेयर होल्डर्स हैं उनका काफी इंटरेस्ट दिख रहा है। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि इसके ओवरव्यू में हम लोगों ने जो पाया कि फंडामेंटली स्टॉक अच्छी लग रही थी, तो बड़े निवेशकों का रुझान भी सेम चीज हम लोगों को बता रहा है। अब चलिए दोस्तों इसके रिटर्न को देख लेते हैं कि शीला फोम अभी तक का किस प्रकार का रिटर्न दी है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ईयर टू डेट ये लगभग 13% का रिटर्न दी है, पिछले एक साल में करीब 10% का रिटर्न दी है। और ये कुछ ही सालों पहले ही ये लिस्ट भी थी, तो इसके जो रिटर्न है पास्ट के मोर देन 3 ईयर्स के नहीं है। तो इसमें इन्होंने अपना पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है और छोटे साइज की कंपनी है और मार्केट में अभी काफी टर्बुलेंसी चल रही है और काफी पैनिक के माहौल में अभी मार्केट चल रहा है, उसके बावजूद इसका जो रिटर्न है वो पॉजिटिव है, ये इसके स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है। दोस्तों अगर एनुअल रिजल्ट की बात करें, तो साल दर साल हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्च 2012 में 987 करोड़ का सेल्स करती थी, जो कि बढ़कर के मार्च 2020 में ये 2174 करोड़ का हो गया है। तो हम लोग देख रहे हैं इसके साल दर साल इनके सेल्स में काफी ग्रोथ देखने को मिला है। और सेम पीरियड में दोस्तों अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, तो नेट प्रॉफिट मार्च 2012 में ये 8 करोड़ का हुआ करता था, जो कि मार्च 2020 में बढ़कर के ये 193 करोड़ का हो गया है। तो यहाँ पर सेल्स में ही नहीं, नेट प्रॉफिट में भी काफी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। और अगर इनका ईपीएस भी देखा जाए दोस्तों, तो साल दर साल इनका ईपीएस भी लगातार इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो अगर हम लोग दोस्तों समराइज करें, तो ये जो शीला फॉर्म का स्टॉक है, इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों में 11% के रेट से बढ़ा है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, तो पिछले 5 सालों में इनका प्रॉफिट जो है 36% CAGR के रेट से बढ़ा है, जो कि काफी बेहतरीन है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी दोस्तों लगभग 25% CAGR के रेट से बढ़ा है। तो ये स्टॉक काफी स्ट्रांग दिख रहा है फंडामेंटली, और रिजल्ट भी इसके काफी अच्छे आए हैं। तो अब हम लोग इसके जो अभी वर्तमान में रिजल्ट आए हैं उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं दोस्तों। उसको हम लोगों ने एक्सेल शीट में कॉपी किया है, उसको हम लोग शेयर करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं कि शीला फॉर्म ने FY19 में 2066 करोड़ का रिवेन्यू रिपोर्ट किया था, जबकि FY20 में इसने 2173 करोड़ का रिवेन्यू रिपोर्ट किया। यहाँ पर इनके रिवेन्यू में लगभग
5% का जंप देखने को मिल रहा है। और अगर प्रॉफिट पर हम लोग कंपेरिजन करें तो FY19 में ये 19 में 173 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट की थी, जो कि FY20 में बढ़कर 193 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर इनके प्रॉफिट में हम लोग लगभग 45% का जंप देखने को मिल रहा है। और EPS फ्रंट पर बात करें तो FY19 में 27.41 का EPS रिपोर्ट की थी, जो कि FY20 में ये बढ़ करके 39.65 यानी ऑलमोस्ट 40 रुपीज के पास इन्होंने EPS रिपोर्ट किया है। तो इनके EPS में भी लगभग 45% का जंप देखने को मिला है। तो यहाँ रिमार्केबल बात है दोस्तों कि इनका रिवेन्यू 5% बढ़ा है, जबकि प्रॉफिट में जो है लगभग 45% का ग्रोथ देखने को मिला। अब चलिए दोस्तों इसके स्टॉक प्राइस पर भी चर्चा कर लेते हैं टेक्निकली, कि इसके प्राइस बिहेवियर कैसा कैसे रह सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 1430 रुपये में ट्रेड कर रहा है और साइडवेज मूवमेंट दे रहा है। तो अब आने वाले दिनों में दोस्तों इसके प्राइस बिहेवियर कैसे रह सकते हैं, इस पर चर्चा करने से पहले दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक भी करें। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसके टेक्निकल चार्ट को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि ये 1430 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और साइडवेज मूवमेंट दे रहा है। और जिस तरह से इनके फंडामेंटल से रिजल्ट जो आए हैं वो काफी स्ट्रांग आए हैं, इतने खराब माहौल में भी कंपनी अच्छा प्रॉफिट लेकर के आई है, इसमें 45% का उछाल देखने को मिला है। तो आने वाले दिनों में दोस्तों हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं इनके रिजल्ट के अनुसार ये शेयर जो है जो 1674 का जो लेवल है उसको अवश्य छूने का कोशिश करेगा आने वाले दिनों में, 6 महीने 7 महीने 8 महीने साल भर में ये अवश्य इसको छूने का कोशिश करेगा। और दोस्तों अगर हम लोग फंडामेंटली इसको चेक करें तो हम लोगों ने अभी जो निकाला था यहाँ पर हमने मिनिमम मैक्सिमम प्राइस निकाल के रखा है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इस शेयर का इनके अभी तक के रिजल्ट के हिसाब से इसका जो मिनिमम प्राइस होना चाहिए 1430 होना चाहिए और जो मैक्सिमम प्राइस होना चाहिए वो 1786 रुपये होना चाहिए। और चार्ट में भी दोस्तों हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये 1430 यानी जो हम लोगों ने फंडामेंटली मिनिमम प्राइस निकाला है उसके उसी लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग दोस्तों ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जैसा कि हम लोगों ने निकाला है 1786 का टारगेट निकाला है तो इस भाव पर इसको आने वाले समय में अवश्य जाना चाहिए। और चार्ट के हिसाब से भी दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो इसको 1674 के आसपास इसको काफी रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो दोनों आंकड़ों को मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से इसमें 200 रुपये की तेजी आने वाले दिनों में बनती दिखेगी, ऐसा हम लोग इसके रिजल्ट से और सारे एनालिसिस से हम लोग ये निकाल पाने में सक्षम हुए हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लगातार वॉच करते रहें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।